जी मैं हूं अभी एक ऐसे घर में जहां पे मैं आके फंस चुका हूं, पूरी तरह से फंस चुका हूं। जब से मैं यहां आया हूं 4 दिन हो गए आज, लेकिन ये बारिश देख रहे हैं आप, कमाल है। इतना पैसा खर्च किया, इतना सब मूड बनाया था कि एक अच्छा सा ब्लॉग शूट करूँगा, जगह बहुत अच्छी है, लेकिन पानी ने नाश मार के रखा है। अब कैसे जाएं बाहर बताइए, क्या क्या करें आदमी यार। मैं दिखा दूंगा आपको, ये रेन चल रही है, ये ऐसे ही है, ऐसे इतने दिन हो गए इसको। मतलब आई कांट बिलीव दिस, यू नो दैट वी स्पेंट मनी। तो जी मौसम खुल गया है, कोशिश कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बट सफेद वाले हैं, काले वाले नहीं है ना। ये काले वाले बादल जब आते हैं तो फिर घनघोर घटा छाई ना, वो वाला सीन हो जाता है। अभी सूरज निकला थोड़ी देर, तो कोशिश करता हूँ कि फॉरकास्ट है वो भी कह रही है कि अभी फिलहाल कोई बारिश नहीं है, लेकिन इसका कुछ नहीं पता, कोई भरोसा ही नहीं है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, कोई भरोसा नहीं है। तो लेट्स गो एंड हैव फन, एंजॉय द बीच। तो ये जी हमारा घर है, ये अपार्टमेंट है, पूरा पूरा घर जी हमारे पास है, ऊपर अलग फैमिली है। तो ये एक्चुअली जो जगह है यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, तो ये बड़े होटल तो नहीं है, छोटी जगह है, तो इसलिए घर ऐसे जो हैं वो रेंट पे मिल जाते हैं। इसका रेंट है हमको 1 वीक का 2000 यूरो, और ऐसे ही है, एडवांस में बुक करना पड़ता है कुछ महीने, ताकि आपकी जगह जो है सिक्योर रहे। अदरवाइज होटल वगैरह जो हैं 2-3 हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, उसमें भी वो फुल रहता है। सो एकोमोडेशन का सबसे बेस्ट है, अपना खाना बनाइए, सब कुछ राशन हमारे पास है, और फुल एंजॉय है। 2 बेडरूम है, बड़ा रूम है, और साथ में एक किचन है, बाथरूम भी खुला डुला है। सो लेट्स मूव ऑन। ये गड्डी है अपनी गड्डी, तो हम तो जाएंगे तड़के। Thank you.
तो रेनबो बना जी बिल्कुल आगे। कमाल है, ये बादल ही छोटा है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं उसको, तो ये यहाँ तक आ रहा है। और आगे जो है इसको रास्ता नहीं है जाने के लिए। और वो सामने जो आप देख रहे हैं, मैं दिखा दूँ आपको, ये जो लाइट नज़र आ रही है लाइट, ये पोलैंड है एक्चुअली में। तो यहाँ से कुछ आई थिंक हाफ एन आवर वॉक पे है, और जर्मनी से पोलैंड बाय वॉक एंट्री मैं करूँगा अभी, तो वो देखते हैं। मौसम थोड़ा सा बरसात है अभी, इसको हटने दीजिए और इसके साथ ही फिर मैं निकलता हूँ उधर के लिए, आपको पोलैंड की यात्रा करा के लाता हूँ। छोटा सा तो है तो सेम ही, बट एक जो फीलिंग आती है कि हम बाय वॉक एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, उसका तो मतलब नज़ारा ही वक्रा होता है ना। तो वो कोशिश करूँगा मैं अभी यहाँ से जाऊँ पोलैंड तक, और पोलैंड को टच करके एंटर करके आगे दिखाता हूँ क्या क्या आता है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी तक गया ही नहीं उधर। यहाँ पे हाँ एक और बीच है जो बिल्कुल की उन लोगों के लिए जो कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, तो वो बीच भी है, लेकिन अभी शाम का टाइम है तो उसका कोई सीन नहीं होगा आई थिंक। देखिए मैं यहाँ पे अभी पहुँचा हूँ ना, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई है कुत्तों के लिए। जो है बीच यहाँ पे कुत्ते भी आप नहला सकते हैं साथ में, और नीचे लिखा है पॉलिश में, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है, जो लोग यहाँ पे आते हैं जिस मेंटेलिटी के साथ में, जैसे वो नहा रहे हैं है ना, अब मैं उनको जूम तो नहीं करूँगा, लेकिन जो फ्री कल्चर का कॉन्सेप्ट है यहाँ का कि बिना कपड़ों के आप एक वो दौड़ रहे कोई, तो दूर है, मैं दूर से बता सकता हूँ। आई डोंट थिंक कि आई विल अलाउ टू मेक ए वीडियो ओवर देयर। तो ये इस एरिया में ये पोलैंड मतलब ऑलमोस्ट शुरू हो गया यहाँ से ना, यहाँ तक का जो एरिया था ये पीछे आप देख लें, वो पहाड़ी जो नज़र आ रही है आपको ये वाली, तो ये यहाँ तक का ये छोटा सा एरिया है। इसके साथ में दूसरा शुरू हो जाता है, ये जो है अभी हम यहाँ पे हैं, पहाड़ी के बाद ये वाला शुरू होता है फिर ये वाला, तो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। और ये पोलैंड ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं अभी, बिल्कुल वो सामने मेरे को लाइट नज़र आ रही है एक, आई थिंक ये इतनी दूर है साइकिलिंग, आई डोंट नो, लेट्स सी। तो फाइनली जी मैं आ गया हूँ, जर्मन में हूँ, ये पोलैंड है, और ये यहाँ का